बिहार का जमींदारी बिहार नहीं है, कोई बचपन का दोस्त नहीं है। रखे बियर पीने वाली या बियर के बोतल लेकर या फोटो खिंचाने वाली जो फोटो वायरल हुआ है, उनके साथ घर में क्यों नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर, मैं हूँ रूपम सिंह। एक तरफ जहां पर तेजस्वी यादव की दुल्हनिया, जिसके बारे में सब लोग बड़ाई कर रहे हैं, सब लोगों का कहना है कि काफ़ी खूबसूरत है वो लड़की, और वहीं साधु यादव जो कि तेजस्वी यादव के मामा जी हैं, उन्होंने साफ तौर पे तेजस्वी यादव की दुल्हनिया के बारे में क्या कुछ कहा है, उन आप सुनिए। क्या बता रहे थे सर इसमें? टैटू बनवा ले भैया। टैटू पश्चिमी सभ्यता है, टैटू तो हर लोग अभी बनवा रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता है, वही कुल खानदान में करेगा ये। तो बाह पे टैटू बनाना तो अरे भाई कहीं भी टैटू बनता है, सब जगह बनाता है, सब आजकल ओपन लंग टैटू बनाता है सर। गया है, छुट्टा छोड़ दिया गया है, तुम विरोध करो, ये नहीं चलेगा, मनमानी नहीं चलेगा। इनका बाप का जमींदारी बिहार नहीं है कि इनको स्वीकार किया जाएगा, कभी नहीं किया जाएगा। अब जो होगा आर पार देखा जाएगा। राजयोग की बात आ रही है कि कोई राजयोग नहीं है, खत्म हो गया राजयोग, राजयोग समाप्त हो गया, कल है समाप्त हो गया राजयोग, राजयोग था लेकिन राजयोग समाप्त कर दिया गया, खत्म हो गया, अपने हाथ से अपने समाप्त किया गया है। जानकारी मिली कि बचपन के दोस्त है, कोई बचपन का दोस्त नहीं है, रखे कोई बचपन का दोस्त नहीं है, बचपन का दोस्त है, फालतू बकवास कर रहा है, बचपन का दोस्त है। बियर पीने वाली या बियर के बोतल लेकर या फोटो खिंचाने वाली जो फोटो वायरल हुआ है, बोला विधानसभा में कि सेल्फी लेने हमारे से कोई आ गया, क्यों छुपा कर रखा 8 वर्षों तक, ओपन क्यों नहीं किया और ढोल बजा के क्यों नहीं शादी किया? मुंह छुपा के भाग रहा है, फर्म में शादी हो रहा है, फर्म में बिहार में क्यों नहीं किया? इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। बिहार के जदवंशी भाइयों और हिंदू भाइयों से अपील है कि इसको बहिष्कार करो, जूता मारो। तो आपने सुना कि साधु यादव ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है तेजस्वी यादव की दुल्हनिया के बारे में कि वो उसके बचपन की दोस्त नहीं थी। हालांकि तेजस्वी यादव ने पहले इस तरह के कहे थे कि वो मेरी बचपन की दोस्त है, उस पर किस तरह से प्रतिक्रिया देते हुए, किस तरह के अशब्द कहते हुए उनके मामा ने साफ तौर पे कहा है कि वो बचपन की दोस्त नहीं थी। हालांकि उनका रिलेशन पिछले 7-8 साल से था, और उन्होंने ये भी कहा है कि बदनामी की वजह से उन्होंने चुपके से ये शादी की है, किसी को बताया नहीं। अगर इस तरह का कुछ होता और सारे लोग खुश होते तो वो बिहार में शादी करता, ना कि चुपके से फार्म हाउस दिल्ली में जाकर और बिना किसी को बताए हुए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ, धन्यवाद।